हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट टिप्स। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और चलिए आज की ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही यूज़फुल चीज़, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने ग्रीन मैट लिया हुआ है, ये मेरे फ्लोर मैट से बच गया था तो मैंने इसका यूज़ किया है। आप इसकी रिप्लेस करके आप इस तरीके के प्लास्टिक बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों का यूज़ किया, ये मैट का भी यूज़ किया है और प्लास्टिक बैग का भी यूज़ किया है। आप चाहे तो एक का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से, ये बच गया था कट पीस तो मैंने इसका यूज़ किया है। और इसकी जगह पर आप कोई भी थिक प्लास्टिक बैग ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लास्टिक बैग का भी यूज़ कर लिया है इसमें और इसका भी यूज़ किया है। तो आप चाहे तो सिर्फ इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लास्टिक बैग से स्ट्रिप कट की है जो कि इस तरीके की चौड़ी है और इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। आप इस तरीके की चौड़ी स्ट्रिप भी लगा सकते हैं या तो फिर आप इससे पतली स्ट्रिप भी लगा सकते हैं। तो ये मेरे पास एक पतली स्ट्रिप भी थी, ये काफ़ी थिक प्लास्टिक बैग का है, ये मैंने राइस बैग से कट किया हुआ था। तो इसको हम ले लेंगे और यहाँ पे मैंने इसके स्ट्रिप्स को फोल्ड किया हुआ है तो ये मैंने इसको लगा देना है। तो यहाँ पे हमें इसके पांच पीसेस चाहिए तो इसे हम वन बाय वन करके इसमें अटैच करेंगे। अटैच इसलिए करेंगे ताकि ये अच्छे से बिल्कुल स्ट्रेट रहे। और जैसे कि ये बिल्कुल थिक है तो ये ऑलरेडी स्ट्रेट रहेगा, बट इसे और स्ट्रेट करने के लिए हमें इसके ऊपर से ये वाली प्लास्टिक को अटैच कर देना है, स्ट्रिप को अटैच कर देना है। तो यहाँ से सिंपली हमें बस इसको ऐसे करके लगाते जाना है और यहाँ से हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो सिंपली हम इसको कुछ कुछ दूरी पर रख के स्टिचिंग लगा लेंगे। आप इसे ग्रीन ग्रास मैट भी कह के ख़रीद सकते हैं अगर आपको इसी का बनाना हो तो। ये मेरे पास पहले से था तो मैंने इसका यूज़ किया है। तो यहाँ से हम स्टिचिंग कर लेंगे इसकी। तो सेम ऐसे करते हुए हम इसकी दूसरी पट्टी भी लगा लेंगे। तो ये मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है तो ऐसे ही हम कुछ दूरी पर दूसरी पट्टी भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से हम दूसरी वाली पट्टी भी इसमें अटैच कर देंगे। ऐसे करते हुए वन बाय वन हम इसमें पांच पट्टियाँ लगा लेंगे। उसके बाद हम एक्स्ट्रा नीचे के एक्सेस पट्टी को कट कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया है और इसके बाद अब हम इसको मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद ये जितने साइज़ का होगा उतना बड़ा हमें सर्कल पीस कट कर लेना है। ये भी मैंने पुराना राइस बैग से कट किया हुआ था, आप देख सकते हैं दो सर्कल पीस को मैंने जॉइंट किया हुआ है। तो इसकी साइज़ हम मेज़र कर लेंगे कितनी आ रही है, और 32 इंच की इसकी साइज़ आ रही है। तो यहाँ पर हम 32 इंच का गोला कट करेंगे। तो ये मैंने मेज़र कर लिया तो ये बिल्कुल सेम साइज़ का है तो मैंने इसका यूज़ कर लिया। आप दूसरा भी कट कर सकते हैं। और इस तरीके से हाफ इसका 16 आ रहा है तो पूरा फुल इसका 32 इंच आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको ले लूँगी और फिर उसके बाद हमें इसको इसमें ज्वाइंट कर लेना है। तो ज्वाइंट करने के लिए हमें सबसे पहले इसको अंदर की ओर रखना है स्ट्रिप वाला एरिया, और इसको ऊपर की ओर रखना है सर्कल को, और बस हमें इसकी अब स्टिचिंग करते जाना है। तो इसे हम बस सिंपली राउंड राउंड घुमाते जाएंगे और इसकी स्टिचिंग करते जाएंगे। तो यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग करते जाएंगे ऐसे करते हुए। तो देखिए ऐसे करते हुए हमें इसको
राउंड करते हुए पूरा इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो बराबर से रखकर हम इसकी पूरी स्टिचिंग गोलाई में कर लेंगे। इसको करने के बाद हम यहाँ पे साइड का जो ये वाला पार्ट है उसे हम अभी ज्वाइंट नहीं करेंगे, पहले हम इसके सीधा कर लेंगे क्योंकि ये काफ़ी थिक है, तो हम पहले इसे सीधा कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे इसको ज्वाइंट करेंगे। तो ऐसे करके हम ओपन करके ही इसे पलट लेंगे और ये अच्छे से पलट जाएगा। तो देखिए ये मैंने अच्छे से इसको सीधा कर लिया, इसके कॉर्नर्स को भी हमें अच्छे से निकाल देना है, यहाँ से धागे को कट कर लेना है। और इसके बाद अब फिर से हमें एक स्ट्रिप लगा लेनी है जिससे कि हम यहाँ पे इसको फिक्स कर सकें। तो ये मैंने ऐसे कर लिया है, अब इसे हमें ज्वाइंट करना है। तो जो ऊपर वाला एरिया आएगा उसमें हमें एक स्ट्रिप लगा लेना है और फिर से हमें इसको ज्वाइंट कर देना है। तो आप चाहे तो सुई धागे की मदद से भी इसे ज्वाइंट कर सकते हैं या तो फिर ग्लू गन से भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ से अच्छे से पहले हम इसे बराबर कर लेंगे और इसके बाद अब हम यहाँ पे स्ट्रिप को लगा देंगे। तो देखिए ये वाला साइड नीचे का है, ये वाला साइड ऊपर का है, तो इसको ऐसे पहले हम स्ट्रिप लगा लेंगे और उसके बाद से हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सुई धागे से इसको ज्वाइन कर लिया है और ये स्ट्रिप भी मैंने इसमें एक लगा दी है। तो आप चाहे तो मशीन से पहले स्ट्रिप को स्टिच कर लें और उसके बाद सुई धागे से इसको ज्वाइंट कर लें। तो देखिए बनकर रेडी हो गया है हमारा इस तरीके का लॉन्ड्री बास्केट। तो यहाँ पे अब मैं इसके हैंडल्स को लगाऊंगी। तो हैंडल लगाने के लिए मैंने यहाँ पे दो बैंगल ली हुई है जिसे मैंने वूल से और गोटा पट्टी से कवर किया हुआ है। तो इस तरीके से ये मेरे पास पहले का बना हुआ था तो मैंने इसका यूज़ किया है और यहाँ पे हम साइड साइड में इसको लगाकर फिक्स कर देंगे। तो इसकी स्टिचिंग करके हम इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे और दोनों साइड में हम ऐसे ही लगा लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर रेडी हो गया है हमारा बहुत ही प्यारा सा लॉन्ड्री बास्केट। तो आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं और इसके बाद आप इसको कहीं भी साइड में अपने रूम में, डाइनिंग रूम में, कहीं पर भी साइड में रख सकते हैं। आप इसमें बच्चों के खिलौने वगैरह रख सकते हैं, गंदे कपड़े वगैरह रख सकते हैं लॉन्ड्री बास्केट की तरह, या फिर ऑर्गेनाइज़र की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने रूम में साइड में रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी सारे कपड़े मैं इसमें डाल रही हूँ और इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो आप और भी चीज़ें इसमें आसानी से रख सकते हैं। तो इस तरीके से भी इसमें और भी स्पेस है तो आप और भी ज़्यादा सामान इसमें रख सकते हैं, अच्छे से और डेकोरेट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।